जगह नहीं है गाड़ियों में, ये है रश देख लो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव यू जोन। तो कैसे भी लव यू जोन फैमिली, आई होप सब बढ़िया होंगे। मेरे ड्रॉप कर रहे तो गाइस, आज है छोटी दिवाली, पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। और हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं आज ह्यूस्टन है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन में, जिसका सिस्टम थोड़ा डीएल है। गाड़ी चलने में सिर्फ 8-5 ही गाड़ी हमारी और हमारी ट्रेन है जम्मू मेल एक्सप्रेस, ओल्ड दिल्ली से लेकर कटरा के बीच चलती है। और जो हमारा टोटल डिस्टेंस है 677 किलोमीटर का है और 13 घंटे 10 मिनट में ये तय करती है 677 किलोमीटर। 5 मिनट में डिपार्चर होने वाला है हमारा, आज जर्नी होने वाली स्लीपर क्लास के अंदर। बड़ा बड़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत भाई खचकोच हुआ था, आपको जर्नी में आगे बताऊँगा। मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली है, वरुण भी है और आगे रंजन से मेरे दोस्त आने वाले हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो ये भी अंकुश इसका भाई और इसका फ्रेंड। काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं, मिलाएंगे आपको। और हाँ, मेन इस जर्नी का जो कॉन्सेप्ट है, मेन चीज़ क्या है आप लोगों को दिखाना है, काबड़ ओवरटेक दो होती है, जम्मू राजधानी का और उत्तर संपर्क क्रांति इसमें ओवरटेक मारती है। दोनों गाड़ियाँ इस मालखा में ओवरटेक मारती है बैक टू बैक 130 की रफ्तार। देखते हैं कि मिलता नहीं मिलता। और भाई दिवाली के चक्कर में गाड़ियों में बहुत ज़्यादा भीड़ है, अगर हो सके मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो माफ़ कर देना क्योंकि भाई ट्रेन चलने का टाइम बोला है। S1 में हमारी सीट है बिल्कुल लोकोमोटिव से, दूसरा कोच है क्योंकि हॉन्किंग आ गई बहुत ज़बरदस्त। तो चलते हैं, डिपार्चर लेते हैं 8:05 का डिपार्चर। तो कुछ ऐसा हाल है हमारी अयोध्या के अंदर जाने वाली गाड़ी का, जनरल का रश देखो। आज है दिवाली का, आज छोटी दिवाली है और भाई साहब पैर रखने की जगह नहीं है गाड़ियों में, ये है रश देख लो। तो गाइस, अपना कुछ ये है कोच जम्मू मेल का, भाई साहब पीछे कोच नए हैं और ये पुराना है। और आगे इसमें पहले जनरेटर होता था, इसलिए डाल दिया यहाँ पर भी। और पीछे जनरल है सारे इसके, किसी कोच को मुझे नहीं बताऊंगा आपको, इसमें 7 कोच तो स्लीपर के हैं और एक ये है। और अपना वेब 7 दिखा दूँ मैं आपको, अपनी सीट्स कुछ ये हैं, दो ये बैठी हैं, ये मेरी फ्रेंड है भोपाल से आई है, ये मेरी बहन है और बाकी यहाँ पर सीट अपनी है, दिखाऊंगा अभी सब आपको। कुछ सीट RAC में, कुछ S2 में कन्फर्म्ड है। ये लगा हमारा WAP 7 3726, अपना WAP 7 लगा हुआ है। और शेड कौन सा है, शेड देखते हैं, शेड NR का ही है, गाजियाबाद शेड का है, वेब 7 लगा हुआ है 37326। अगर आपसे बात करूँ ओल्ड दिल्ली जंक्शन के लिए, यहाँ पर 16 प्लेटफॉर्म है, यहाँ से एक लाइन जाती है गाजियाबाद की तरफ और एक लाइन जाती है हमारी न्यू दिल्ली के लिए। और इसको इसलिए दिल्ली को जंक्शन बोला जाता है, ओल्ड दिल्ली जंक्शन। आगे डिटेल दूंगा ट्रेन स्टेशन के बारे में और ट्रेन के बारे में, कितनी यहाँ ट्रेनें होल्ड करती है सब बताऊंगा क्योंकि ट्रेन चलने वाली है। तो डिपार्चर लेंगे उसके बाद आपसे मुलाकात। शार्प 8:05 गाड़ियां डिपार्चर लिया है और जय माता दी गाइस। और ये देखो 8:04 एक मिनट पहले निकाल दीजिए, हो सकता मेरी गाड़ी ले दो। बोल सच्चे दरबार की जय। आज बारिश और थोड़ा दिल्ली जंक्शन के मैं थोड़ा आगे दिखाऊंगा, ऑलरेडी मैंने रूट बहुत कवर कर रखा है। तो मैं देखो इसका पहला स्टॉप भी सब्जी मंडी आएगा, तो वो तो कवर करूंगा नहीं क्योंकि मेन दिखाना है, जहाँ ओवरटेक लगेंगे कुछ क्रॉसिंग दिखाएंगे क्योंकि अभी गाड़ी में लोग बहुत चलते हैं इसमें सोनीपत तक के, करनाल के। और अच्छे से मुलाकात करेंगे आपसे क्योंकि थोड़ा कंटेंट छोटा रखेंगे इस बार, बाकी बहुत सारी बातें करने के लिए आगे जर्नी में वो करेंगे। हेल्को सेंटर बन गया जो अब टिकट ही उड़ीसा में लगे मंडोर एक्सप्रेस। चलो
आपने हम रूट पर डाल दिया हमें गन्नौर में, और यहाँ होगा टावर जो 230 तरफ का है, जम्मू का रास्ता होगा जो कि जम्मू में यहाँ से देखिए आप गन्नौर, और ये चौथा सीजन है मैंने इसका सप्लीमेंट्री नरेला और सोनीपत स्क्रिप्ट किया और आपको दिखा रहा हूँ उसमें और 10 मिनट कर लिए तो अंदर का ये अपना पुराना इतिहास स्टेशन आ गया मेरी आपको काफ़ी जो जैसा कि आपने देखा शाने पंजाब एक्सप्रेस क्रॉसिंग गन्नौर पे ओए होए होए 130 फ्लैट गई है, मज़ा आ गया। और ये खड़ी हमारी जम्मू मेल, अब यहाँ से आएगी हमारी जम्मू राजधानी और मे बी उसके बाद आएगी उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। अगर इसको यहाँ से सिग्नल दे दिया राजधानी के बाद तो अगला ओवरटेक पड़ेगा स्मालखा पे, वरना यहीं पर ही होगा। तो मैं तो आ गया लाइट में आप लोगों के लिए बढ़िया कंटेंट देने के लिए, बढ़िया ओवरटेक दिखाने के लिए, तो बने रहे। कैसा लगा आप लोगों को ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगला वेट करते हैं राजधानी एक्सप्रेस का 12425 न्यू दिल्ली जम्मू तभी राजधानी एक्सप्रेस। कैसा लगा आप लोगों को ये ताबड़तोड़ ओवरटेक जो कि था जम्मू राजधानी का, और मैंने लिए दो एंगल, आपको अच्छा लगा वो देख के? और उत्तर संपर्क क्रांति का ओवरटेक कैसा लगा? दोनों गाड़ियाँ अपनी पूरी एमपीएस स्पीड से थी 130 किलोमीटर पर आज गन्नौर में दोनों का ओवरटेक लग गया बहुत ही बढ़िया स्पीड में, मज़ा आ गया। बाकी अपनी गाड़ी को सीन होने वाला है तो अगला होल्ट आएगा हमारा पानीपत, जिसका सीन कोड है PNP। स्मालखा आएगा इसके पहले, पानीपत से पहले स्मालखा फिर पानीपत, हम आपसे मुलाकात करेंगे पानीपत से और डिपार्चर देखते हैं। डिपार्चर हो चुका दो ओवरटेक खाने के बाद, और अब कोई शेयर ओवरटेक मिलेगा मे भी रात को अगर हो तो उधमपुर एसी ना हुई, और या तो उधमपुर एसी या दुरंतो जम्मू तक दुरंतो अगर होगी वो ओवरटेक मार सकती है अगर ये थोड़ी डिले होगी तो। अगर मैं कभी गाड़ी राइट टाइम ही कोई दिक्कत नहीं है, और पीछे गाड़ी अपनी ऐसी लग रही है
अगला स्मालका है, फिर पानीपत आपसे मुलाकात से मैं स्मालका पे ही करूँगा, और सॉरी पानीपत पे आपसे मैं मुलाकात करूँगा। हम लोग अप्रोच कर रहे हैं पानीपत, जिसका स्टेशन कोड है PNP, और गाड़ी का यहाँ पर 2 मिनट का ही हॉल्ट है। तो सामने से गाड़ी भी आ रही है बहुत तेज, और उसको ग्रीन सिग्नल दिया, पता नहीं कौन सी गाड़ी है, देखते हैं। मेरे ख्याल से देखो या तो वो हो सकती है शताब्दी, या तो हो सकती है आपकी वंदे भारत, कटरा वंदे भारत, ये भी हो सकती है। बाकी देखते हैं कौन सी है, मैं बताता हूँ। ये है जी अपना पानीपत जंक्शन, जहाँ से एक लाइन हमारी रोहतक जिंद और हिसार के लिए गई है, रेवाड़ी के लिए भी यहीं से लाइन कट जाती है। जैसे जो हर गाड़ी हरिद्वार से आती है बाड़मेर के लिए यहीं से निकल जाती है। शताब्दी हमेशा शताब्दी जा रही है, स्किप कर रही है बट स्लो स्पीड में, ज़्यादा तेज नहीं है। आपके दोस्त पीछे खड़े हैं, ये सामने जा रही है हमसे शताब्दी आपके सामने, ये गई शताब्दी। डिपार्चर स्टार्ट हो गया पानीपत जंक्शन से अपना, कुछ देर में क्रॉसिंग होगी हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस से। सामने खड़ी हमारी कटरा न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, शताब्दी गई है तो चक्कर में इसको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, यहीं पर रोकी हुई है पानीपत के आउटर पे।
देखो मैं तो हूँ स्लीपर क्लास में, है ना, जैसे आपको बताया मैंने, मैं हूँ स्लीपर क्लास में और सीट मेरी है साइड लोअर साइड अपर दो लोअर, और मेरे साथ कुछ मेरी फ्रेंड्स भी, मतलब कि अभी जो भोपाल से आई मेरी फ्रेंड अवनी है और मेरे पापा की फ्रेंड की बेटी है, तो उनकी सीट थोड़ी आगे थी, मैंने एक्सचेंज करा के एक सीट तो मैंने यहीं पर S1 में ले ली है और उनकी S2 में थी, है ना, तो बाकी ले लिए। अब आगे मैं जा रहा हूँ थोड़े सोने के लिए, कि ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों ने ये रूट बहुत बार दिखाया है, बहुत बार मतलब बहुत बार, तो इस बार थोड़ा ना ब्लॉग को शॉर्ट में बनाएंगे। अब मैं सीधा आपसे मुलाकात करूँगा, देखो अम्बाला में स्किप करो, हर बार दिखाता हूँ यार, करनाल हो गया ये सब, क्योंकि गाड़ी बहुत जगह रुकेगी, मैं कहाँ कहाँ दिखाऊँगा, कुरुक्षेत्र करनाल ये हर जगह रुकती है, तो मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं सीधा आपसे मुलाकात करूँगा लुधियाना से पहले, क्योंकि उससे पहले हमारी होशियारपुर एक्सप्रेस जाती है वो दिखा दूँगा आपको अगर मैं उठ गया, अदरवाइज जलंधर पे ये लोग मिलेंगे, क्योंकि मैं वो कवर के दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा मॉर्निंग का शॉट जो 5 बजे के बाद थोड़े दिखेंगे वो चाहता हूँ दिखाना था आपको जम्मू के रूप पे। गाड़ी में चलती है 130 की रफ्तार की स्पीड में और टोटल इसके 22 हॉल्ट है इस गाड़ी के, सोचो कितना कुछ दिखाना पड़ेगा, इससे बेटर है कि जाके सोते हैं। आपसे मुलाकात करता हूँ मैं लुधियाना के आस पास, फिर उसके बाद जो चलता रहेगा दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी ओवरटेक क्रॉसिंग कैसी लगी आपको वो मुझे ज़रूर बताना, तो इस बार क्रॉसिंग भी कम लेंगे, ठंड और ठंड हो गई है एक्चुअली बहुत ज़्यादा, और मेरा हो रहा है हेडेक बहुत तेज, इसलिए मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, ठीक है, आपसे मुलाकात करूँगा मैं थोड़ी देर में। वेल गाइस मैं तो उठ गया, एक्चुअली मैं सो गया था, मेरा ना हेडेक बहुत तेज़ हो रहा था, तो मैंने स्किप कर दिया स्टेशन से लाइक करनाल कुरुक्षेत्र अम्बाला, तो थोड़ी देर में स्किप लुधियाना आने वाला है, तो मैं उसके लिए उठ गया, मैंने कहा चलो इतना कवर कर लेते हैं, क्योंकि पता क्या ऑलरेडी मैंने इतनी बार कवर कर रखा है ना ये रूट और उत्तर संपर्क क्रांति में, तो मैंने कहा इसलिए थोड़ा सा थोड़ा शॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो बाकी मैं आपको दिखाने वाला हूँ खन्ना का स्किप, बाकी स्लो होगी गाड़ी, मैंने 20-30 भाग रही थी भाई, चलो कोई नहीं, और थोड़ा सा ट्रैक साउंड लेके और इन्जॉय करते हैं खन्ना का स्किप देखते। ये स्किप तेज होता है मेरे ख्याल से, कोई गाड़ी होगी आगे, ये स्लो कर दी। अब मैं तो एक्चुअली उठा था कि होशियारपुर एक्सप्रेस का क्रॉसिंग दिखा दूंगा आपको 14012, उसी से होशियारपुर से लेके जलंधर तक मेरे दोस्त आए हैं अंकुश और ही रेलवे अंकुश, वो भी आगे जाएगा मेरे साथ वैष्णो देवी सी ट्रेन से, तो लेकिन मेरे ख्याल से वो गाड़ी निकल जाएगी क्योंकि वो ढांडी कर पहुँच चुकी है और ये भी खन्ना पे रुक रही है, बाकी चलो लेट्स सी देखते क्या होता है। और ठंड भाई ज़बरदस्त हो रही है, और एक चीज़ और, 12 बज चुके हैं और 8 तारीख है 12 नवंबर, तो हैप्पी दिवाली आप सभी को, और आई विश आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी जाए, और प्लीज़ सेफली करना चीज़ें, हो सके तो पटाखे वटाखे आए हो आप लोग नहीं जलाए होंगे, क्योंकि व्लॉग तो दिवाली के बाद डालूंगा तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, बाकी अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करना, फैमिली अपना इन्जॉय करो, पार्टी वटी करना, पॉल्यूशन मत करना बस, बाकी जैसे आप लोग चाहो बस। और हम लोग देखो दिवाली पे वैष्णो देवी निकल जाते हैं इसी चीज़ के लिए कि थोड़ा भगवान की के पास भी चले जाते हैं, पापा की श्रद्धा बहुत ज़्यादा है माता जी वैष्णो माता को लेके, तो इसलिए हम लोग चले जाते हैं, ट्रैवल कराते हैं, बाकी अदरवाइज़ लुधियाना आने वाला है थोड़ी देर में, वो भी दिखाता हूँ आपको, और स्पीड बढ़ा रही है 130 का भी स्पीड आपको दिखाता हूँ।
वापस आने वाले के लाइन कट रही है चंडीगढ़ के लिए, वहाँ पर ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है और यहाँ पर भी ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है। और सामने मेरी मुलाकात होने वाली सानेवाल पे होशियारपुर एक्सप्रेस से, जो कि यहाँ से कट जाती है और चंडीगढ़ होकर दिल्ली निकलती है और आगरा जाती है। मैंने इसकी जर्नी बना रखी है, चैनल में मिलेगी आपको। और कुछ नए रेक्स यहाँ खड़े हैं। ये गाड़ी हमारी 14012 होशियारपुर आगरा एक्सप्रेस, इसके लिए उठा था मैं यार। ये अपने घर की ट्रेन है ये भी, मतलब होशियारपुर की सिग्नल हो गया इसके लिए, ये भी चल पड़ी है। इसमें लगा है वेब 7। दो नंबर से गाड़ी निकल रही है, आई थिंक राजधानी है ये। राजधानी जिस गाड़ी ने हमें ओवरटेक मारा था, जो उसका सेकंड रेक है जो वापस जा रहा है दिल्ली की तरफ, आई थिंक ये शालीमार खड़ी है। हमारे राइट हैंड साइड पे देखते हैं कौन सी गाड़ी खड़ी है। और सर एक नंबर पे कोलकाता वाली खड़ी है। और ये शालीमार खड़ी है मेरे ख्याल से, हाँ ये शालीमार खड़ी है। अभी पहुँच चुके हैं लुधियाना स्टेशन बोर्ड है LDH, यहाँ पर टोटल सात प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर LDH में। और हम लोग बिल्कुल समय पे आए हैं, मतलब 2-4 मिनट लेट ही है और 7 मिनट का हॉल्ट है इधर, 7 मिनट इधर। बाकी यहाँ पर खड़ी है शालीमार एक्सप्रेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है 2-3 घंटे अपने टाइम से। इसका सुबह पहुँचने का टाइम होता है अप्रॉक्स 5:30 बजे जम्मू का, और अभी ये 1:30-2 बजे के आसपास ट्रेन पर खड़ी है ना। तो डिले पहुँचेगी शायद, अगर ये निकल गई पहले तो इसका ओवरटेक मार सकता हूँ, और इसका टाइम हो गया और ये ओवरटेक खाएगी। बाकी चलते जलंधर आने वाले थोड़ी देर में अंकुश मिलेंगे, उनसे मिलवाता हूँ, फिर थोड़ी जाकर फिर जलंधर के पास सोएंगे। तो सुबह के नज़ारे इन्जॉय करेंगे, जो कटरा का रूट आएगा बहुत सुंदर वो इन्जॉय करेंगे। अभी लुधियाना देंगे डिपार्चर और उसके बाद सीधा अराइवल दिखाएंगे आपको, वहाँ पर उत्तर संपर्क क्रांति विषय मिलेगी वो दिखाएंगे, और उसके बाद वहाँ जलंधर का अराइवल हो गया। डिपार्चर हॉन्ग लुधियाना से अप्रॉक्स 10 मिनट की देरी से, 1:47 का टाइम होता है इसका, 47 का यहाँ से चलने का, 7 मिनट का हॉल्ट है। अभी टाइम हो रहा है 2:07, तो अप्रॉक्स 10 मिनट लेट हो गए हैं, कोई बड़ी टाइम कवर कर लेगी। बहुत प्यारी चल रही गाड़ी यार, बहुत प्यारी। मैं सो गया था ना, पर अच्छा हुआ क्योंकि मेरा सर बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और आपके सामने बिल्कुल मस्त खड़ा हूँ एकदम, ये फ़ायदा होता है। और सामने लो, और यहाँ पर लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर चेंज हो गया। ट्रेन मैनेजर मतलब होता है ट्रेन गार्ड, अब उसको ट्रेन मैनेजर बोला जाता है, तो वो यहाँ पर चेंज हो गया लुधियाना जंक्शन पर। अब ये वाला स्टाफ जो है ये कटरा तक लेके जाएगा।
जो जनरल जंक्शन, इसलिए बोलते हैं, मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को, यहाँ से एक लाइन रोहतक जिंद के लिए जो कट जाती है, नरवाना होके निकलती है, और एक जिस लाइन पे हम बढ़ रहे हैं अमृतसर लाइन और जम्मू लाइन, और एक दिल्ली जो जा रही है अपनी वाया सरहिंद, ये सब होके अम्बाला होते हुए, इसलिए इसको लुधियाना जंक्शन बोला जाता है। जी आप लोग अप्रोच कर रहे हैं जलंधर कैंट स्टेशन, इसका स्टेशन कोड है JRC। यहाँ पर कुल तीन प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हमारी लाइन कट जाएगी, एक लाइन जाती सीधा हमारी अमृतसर के लिए, एक लाइन पर हम बढ़ जाएंगे जम्मू पठानकोट लाइन पे, और एक जाती है होशियारपुर के लिए। तो यहाँ पर आने वाला है अंकुश, चेतन और संजीव। तो मैं आपको मिलवाता हूँ उससे, और अभी अराइवल लेंगे, वो लोग भी अराइवल ले रहे हैं क्योंकि अंकुश व्लॉग बना रहा है, तो हम लोग पहुँचने वाले 2 मिनट में। अभी गाड़ी हमारी अप्रॉक्स 30-32 मिनट डिले चल रही है, बिकॉज थोड़ा लुधियाना में 10 मिनट डिले हो गई, वहाँ लेट छुट्टी और फिर कवर थोड़ा लेट हो गया, तो बाकी पहुँचने वाले हैं हम लोग और 2-4 मिनट में अराइवल दिखाते हैं, तो आपसे उनसे ऊँची मुलाकात करवाते हैं। और नाइट में कुछ स्लीपर कोच अपना ऐसा लगता है, वरुण ये बैठा हुआ है, 2 सीट ये है, 2 येरी और एक आगे सीट है, और एक S3 में 63 है, साइड लोवर थी वो RAC में, तो यहाँ एडजस्ट करके सो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चलो आ गया कैंट, मुलाकात करते हैं आपसे बाहर। हाईवे चल रहा है बगल में, और ठंड हो रही है ज़बरदस्त वाली। डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो पूरा शेड हटा दिया हुआ है इस गाड़ी का, भाई साहब मैं बताऊं आपको, पूरा स्टेशन का नक्शा ही चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पर रिडेवलपमेंट का काम चल रहा है, नई बिल्डिंग बन रही है, और ये खड़ा है अंकुश सामने, दोस्तों का अपना है मिलवाता है लोगों से, और 3 मिनट का हॉल्ट है इधर, फटाफट चलते हैं पीछे। लेके आ रहे हैं वो देखो, ये दो चाय लेके आ रहा है, एक चाय लेके आ रहा है, ये फीवर वाला बच्चा हमारा। हैप्पी दिवाली एवरीवन, हैप्पी दिवाली। हाँ भाई फुकुंदर व्लॉग्स, हैप्पी दिवाली। और ये रही अपनी जम्मू मेल, पहले फटाफट चाय रखवाते हैं, उसके बाद बातें करते हैं और फिर मिलवाता हूँ सबसे।
अगर जलंधर की फेमस गरम चाय, डिपार्चर लेते हैं फिर आपसे मुलाकात करते हैं। हाँ नया भी नहीं हुआ, चल डाइवर्ट हो गया हमारा जम्मू की तरफ और आधा पौने 35 मिनट की देरी से 3 मिनट का हॉल था। और ये देखो, ये होती है व्लॉगर्स लाइफ, ये है व्लॉगर्स लाइफ। और देखे हमारे लोको पायलट साहब ने सिग्नल, चलते हैं। मेरी एनर्जी बूस्ट हो गई, देख लो आप, एनर्जी बूस्ट हो गई जी। और स्टेशन पूरा भाई, ये बिल्डिंग टूट चुकी है। पिछले महीने मैंने होशियारपुर के एयरपोर्ट जर्नी दिखाई थी, नहीं दिखाई थी, दिखाई थी मुझे याद नहीं, बट हाँ उस टाइम जब मैं था थोड़ी बिल्डिंग ठीक थी, शेड तो उखाड़ ही दी है। और इस शेड के लिए फेमस था स्टेशन, जैसे गाड़ी निकलती थी गूंजती हुई। बट रीडेवलपमेंट हो रहा है और अच्छी बात है यार, डेवलपमेंट ज़रूरी भी है। नई नई सुविधाएँ मिलेंगी लोगों को यहाँ पर अच्छे से, वेटिंग हॉल अच्छा बनेगा और प्लेटफॉर्म भी इंक्रीज होगा, काफ़ी चीज़ अच्छी देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर इन फ्यूचर। और ये रूट मैंने आपको इतनी बार दिखाया है, तो बस मैं डिपार्चर दिखाने के बाद जा रहा हूँ अंदर, चाय पीऊँगा, मेरी चाय ठंडी हो जाएगी और टकाटक खाएंगे और अपना से बातें करेंगे। बाय। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, तो आप लोग अप्रोच कर रहे हैं JET मीन्स जम्मू तवी आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। और गाड़ी हमारी ऑलमोस्ट काफ़ी लेट हो गई भाई, यहाँ आ रही है 7:13 पे। अच्छा खासा डिले है जम्मू तवी में। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं हम लोग, जो कि इसका बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है एक नंबर। जम्मू तवी में 3 प्लेटफॉर्म है, हम आए एक नंबर पे। ये सब जनरल वाले हैं, जो शालीमार से आए लोग हैं ये सब इसमें आएंगे जनरल में। तो हाँ जी, हम लोग पहुंच चुके हैं जम्मू तवी। टाइम था हमारा यहाँ पर 6:35 पे पहुंचने का और हम लोग पहुंचे यहाँ पर 7:17 में, अप्रॉक्स 40-42 डिले के साथ पहुँचे हैं यहाँ पर। और 5 मिनट का हॉल्ट है और अपनी गाड़ी में लगा सुंदर सा Web 5 और सुंदर सा Web 7, हाँ वो भी गाजियाबाद शेट का, और हाई पेंटोग्राफ वाला लगा है। मेरे साथ रेलवे अंकुश आया हुआ है, वो भी उठ गया सुबह सुबह, तो उसका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है यहाँ पर। तो पूछते हैं अभी कैसा लग रहा है, ठंड कैसे लग रही, पहली बात तो ये ठंड का पूछा ही मत, तो भाई वीडियो बना रहे हैं इतने काफ़ी है ना, हार्ट अटैक आया हुआ है बाहर दरवाजे से, हाँ बहुत ज़्यादा। बाकी इससे मैं निकलवा तो थंबनेल, क्योंकि सुबह का टाइम है और फिर आपसे मुलाकात करते हैं, आ गए डिपार्चर में, क्योंकि बहुत ठंड है अभी, पुई हो रही है। ओके चल बे, चल हो गया हमारा 5 मिनट होल्ड के बाद। ये है अपना बाईपास रोड जम्मू का और गाड़ी ले रही है बहुत सुंदर कर्व और हम लोग बढ़ चले अपने पहले कर्व के लिए। ये आप देख रहे हो बाईपास रोड है, ये उधमपुर ही जाता है, उधमपुर कटरा के लिए बाईपास निकल जाता है। और पीछे की तरफ है जम्मू का भी शहर, हमारा पहला टनल और इस रूट में टोटल 29 टनल्स हैं।
छोटे बड़े से मिक्स करके मैंने बहुत बार बता रखा आपको तो जर्नी के अंदर। दोस्तों का पड़ा की पहली टनल। और देखते देखते दूसरी टनल भी आपके सामने। अभी आपको सनराइज दिखाऊंगा, बिल्कुल पीछे से पहाड़ के पीछे से होगा। ये साथ साथ चलती रहेगी हमारे। वो पुराना किला है वहाँ का, जम्मू का, बहुत जो रेस्टोरेंट है। पीछे कर्व है, पीछे दिखा गाड़ी कर्व पे कर्व दिखा। और गाइस ये कटरा तक सिंगल लाइन सेक्शन है पूरा। और पीछे स्नो हिल्स दिख रहे हैं मेरे को, थोड़ी देर में सब विजिबल होगा आपके लिए। पीछे पूरी रेंज दिख रही है, स्नो रेंज देख सकते हैं आप। और ये जम्मू शहर है अपना। कुछ भी हो यार, जे एन के ऐसी ब्यूटी ना कहीं पर भी नहीं है। और मतलब द बेस्ट रूट है ये जो आपको टनल कवर करनी है। अब तक कुछ टाइम बाद श्रीनगर चालू होने वाली है ट्रेन डायरेक्ट, तो आप लोगों को जर्नी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी जब भी इनॉग्रल होगा, तो मैं उसको जरूर कवर करूँगा। ये हो चुका है सनराइज आपके सामने। आज हम अंकुश का मौका देंगे बनाने का, कि हम तो यार ऑलरेडी भवानी दोस्त हमने बहुत बार रूट कवर कर रखा है, और मेरा भाई पहली बार इसको कवर कर रहा है, तो इसका ब्लॉग अच्छे बनवाएंगे। क्योंकि इसका अगला शौक होता है उधमपुर ही, जिसका नाम चेंज हो चुका है, कैप्टन तुषार महाजन नाम हो चुका है उस जगह का। तो लेकिन हमारी यादें आज भी उधमपुर के साथ ही जुड़ी रहेंगी। दोस्तों ये था हमारा गंभीर ब्रिज, और अब बढ़ रहे हैं मनवाल के कर्व के लिए, जो आपको दिखेगा वायाडक्ट। बहुत सुंदर 7 पूरा कर्व बनाएगी गाड़ी। तो आओ बढ़ते आगे मनवाल के। कांप रहा है।
तो बढ़ चले हम वायाडक्ट के लिए और तवी रिवर सामने और पुल देखो भाई साहब, ये रहा तवी रिवर और आई लव दिस ब्रिज। कुछ गिरी हो मैं पहले, ये देखा ये देखा अब ये देखा वेब सेवन पीछे देखो गाइस पूरी गाड़ी घूम रही है ये। नीचे हाईवे रोड नहीं दिखता, नहीं दिखी यार, दिखा नहीं, वहां पीछे गाड़ी दिख रही होती है पूरी पीछे तक। जो कि बोला जाता था पहले उधमपुर, जिसका शेष बोर्ड होता था पहले UHP, अब बहुत अलग कोड है जी, वो लिख दूंगा मैं कि पहली बार हमारे नंबर चेंज में और वहां पर नए रेक्स खड़े हैं। अब ये आ गया मैत्री कैप्टन तुषार महाजन, इसको पहले बोला जाता था उधमपुर। और हम लोग 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आए हैं, यहाँ पर कुल 3 प्लेटफॉर्म है। और ये जो गाड़ी के रेक देख रहे हो पीछे, ये आगे जाएगा कश्मीर, इसको कश्मीर लेके जाया जाएगा कि कुछ टाइम बाद श्रीनगर तक ट्रेन चालू होने वाली है, जो कि स्टेच बनी हाल से लेकर श्रीनगर का बस काम रह गया था, कटरा से बनी हाल। तो गाइस ये चेंज हो चुका है नाम उधमपुर का, शहीद कप्तान तुषार महाजन नाम रख दिया गया है इसका। और स्टेशन कोड जो भी मैं नया डाल दूंगा इसका, पहले UHP उतर उधमपुर का, अब चेंज हो गया है। तो ऐसा है, हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आए हैं, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। पहले उत्तर संपर्क क्रांति और ये वाली जम्मू मेल एक्सप्रेस पहले यहीं तक की होती थी जब कटरा चालू नहीं हुआ था, अब गाड़ी कटरा जा रही है, श्रीनगर बहुत जल्दी चालू होगा। तो गाड़ी 2 मिनट रुके गाइस यहाँ पर और चल पड़ी अपनी। अरे एक तो अभिषेक भैया की आवाज बीच में आ जाती है मेरी वीडियो, क्योंकि हम व्लॉगिंग कर रहे हैं इसलिए। डिपार्चर हो गया कैप्टन तुषार महाजन, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे। अब अगला हॉल्ट हमारा लास्ट डेस्टिनेशन SVDK श्री माता वैष्णो देवी कटरा। तो इसी बात के लिए हो जाए जय माता दी। और देख उत्तर क्रांति बोल पड़ी, कोच बना है ये, बना है हमारा December 2019 में जब एक गाड़ी बन के आई थी। हाँ तो अब हमें दिखेगी मालवा की क्रॉसिंग, हमें लूप पे डाल दिया गया है। अरे भाई चल रखवाल आने वाला है, अभी कहाँ है भाई, उनके बाद है। बस हम लोग ऑलमोस्ट कटरा के पास हैं, ऑलमोस्ट गाड़ी अपने ऑन टाइम पहुंच जाएगी, बस आगे लूप पे आ गए और सामने से आपको देखने को मिलेगी हमारी प्यारी सी क्रॉसिंग मालवा एक्सप्रेस से, जो कि
अम्बेडकर नगर इंदौर की तरफ जाती है कटरा से, लेकिन उसमें मैं ट्रैवल नहीं करूँगा क्योंकि बहुत रुकती है गाड़ी वो सुपरफास्ट के नाम पे, वो एक्सप्रेस है मेल। अबे नहीं हमने नहीं डाला, अच्छा मेन लाइन से, अच्छा ये लूप पे, अच्छा राइट वाले लूप पे डाल दिया, वरना हमेशा उधर डालते हैं। बढ़िया क्रॉसिंग इधर से दिखाएंगे मेरे, इसे कहते हैं सर बेटा लूप लाइन, बीच वाली ये मेन लाइन है, वो भी लूप है और ये भी लूप है, और लूप की लाइन जो होती है 15 होती है, 10 15 25 50 अलग अलग। ये स्टेशन है चक रखवाल, इसमें कटरा आएगा। गाइस देखो हमें जो भी रोक रखा है यहाँ पर चक रखवाल पे क्रॉसिंग के लिए, क्योंकि मालवा एक्सप्रेस की होने वाली है। अगर अभी टाइम है गाड़ी आने में तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ की इस गाड़ी की कोच कॉम्पोजिशन ठीक है। इसमें चार जनरल लगते हैं जिसमें एक आगे एक्सल आ रहा है, टोटल 5 हो गए ठीक है, और 7 डब्बे इसमें स्लीपर के हैं, 6 डब्बे इसमें थर्ड एसी के हैं, और 2 डब्बे इसमें सेकंड एसी के, और 1 है फर्स्ट एसी। टोटल कोच चलती है ये 22 कोच के साथ चलती है गाड़ी जम्मू मेल एक्सप्रेस, और 13 घंटे 10 मिनट लेती है पूरे दिल्ली से कटरा के बीच में, 677 किलोमीटर ये कवर करती है 13 घंटे 10 मिनट के अंदर। और पीछे व्लॉगिंग चल रही है और सारे फन कर रहे हैं, लोग उतर गए हैं बाहर और धूप अच्छी खासी आ चुकी है। बाकी जो भी टिकट फेयर होगा मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ मैं बकायदा। और लेकिन स्लीपर का जो मैंने चार्ज दिया है दिल्ली से कटरा तक का 365 रुपये दिया है, 365 रुपीज़ दिल्ली टू कटरा, क्योंकि ये एक्सप्रेस ट्रेन है तो उसका फेयर थोड़ा कम है अकॉर्डिंग टू और सुपरफास्ट ट्रेन। तो बाकी चलते हैं अभी आपको क्रॉसिंग दिखाते हैं, उसके बाद कटरा में अराइवल लेते हैं। गाइस सामने से आ रही है मालवा एक्सप्रेस और इसको डाल रहे हैं लूप पे, उसके अपनी गाड़ी को प्रेशर सिग्नल देंगे आगे के लिए, देखो कैसे ट्रैक चेंज करेगी ये देखते हैं। ये एक ट्रैक चेंज के ये आगे लूप पे 12920 मालवा एक्सप्रेस। और हमारी गाड़ी को सिग्नल दे दिया जाएगा, हमें भी सिग्नल दे दिया, उसको भी दे दिया, इसको क्लियर कर दे रहे सिग्नल, मेरे को समझ नहीं है इस गाड़ी को क्यों रोका गया है। अब सीधा मैं आपको दिखाऊंगा कटरा में अराइवल, और एक पुल लगा हार्ड ब्रिज अपना फेवरेट, तो वो दिखाऊंगा मैं आपको।
तो गाइस ये रहा वैष्णो देवी सामने अर्धकुंवारी, जय माता दी, दर्शन कर लो भाई साहब दिवाली के दिन। वो सामने अर्धकुंवारी है जी, ये अर्धकुंवारी है, जय माता दी। पहुंच गए कटरा ऑलमोस्ट, अब गाड़ी लूप पे लेफ्ट साइड में जा रही है, तो चलो प्लेटफॉर्म से अराइवल दिखाएंगे आपको। और इधर खड़ा है, हम लोग दो नंबर पे जा रहे हैं। और हम लोग जा रहे हैं दो नंबर की तरफ, हम जा रहे हैं दो नंबर प्लेटफॉर्म के बाद है, कितने एक घंटे बाद प्लेटफॉर्म इस साइड आ रहे हैं ना। हाँ, और यहाँ पर शायद सर्वराज के रेस खड़े हुए, श्री माता श्री कटरा। और अंदर कोच की मेंटेनेंस चल रही है। गाइस फाइनली हम लोग पहुंचे हैं श्री माता वैष्णवी कटरा रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है SVDK के, और ये हमारी जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन है इस ट्रेन का भी। यहाँ पहुँचने टाइम था 9:15 और हम लोग पूरे राइट टाइम पहुँचे हैं 9:13, दो मिनट बिफोर ही एंटर कर रहे हैं जी। बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा स्टेशन है, और यहाँ पे जनरेटर ऑन हुआ जस्ट अभी, धुआं देखो जनरेटर का, जस्ट जनरेटर ऑन हुआ अभी। स्वराज हापा में से कोई एक, स्वराज एक्सप्रेस है। तीन ऐसे जी पहुंच चुके हैं कटरा में, और मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है, फ्रेंड्स साथ में है, तो आपको मिलवाता हूं उन लोगों से। तो एक बार हो जाएगा जयकारा श्री वालिदा, जय जय माता दी। तो ये सारे मेरे साथ लोग आए हुए हैं, दिखा दूं आपको मैं, हम पूरा ग्रुप है, अब वैष्णो देवी दर्शन करने जाएंगे अभी, और आज है दिवाली। एक बार सारे बोल दो हैप्पी दिवाली, जय माता दी, हैप्पी दिवाली, जय माता दी। चलो तो यहाँ पर मैं करता हूँ वीडियो का एंड, क्योंकि कैसा लगा आप लोगों सफर यहाँ दिल्ली से लेके यहाँ तक का। कुछ कुछ चीज पार्ट दिखाए हैं मैंने, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतनी कवर कर चुका हूँ इस रूट को, तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटा आधे घंटे 40 मिनट का, देख लेना। बाकी चलो हैप्पी दिवाली गाइस, एंजॉय करो और एंजॉय करो। बाकी मेरी इंस्टा आई डी लव रेल जोन के नाम से, लव रेल जोन नाम से इंस्टा आई डी है, और फेसबुक वीडियो डालता हूँ मैं, वो भी आपको देखने को मिलेगी, और वहाँ पर भी मैं डालता हूँ मैं, वो भी लव रेल जोन, ट्विटर भी लव रेल जोन। बाकी फॉलो करो और सब्सक्राइब करो चैनल को यार, वीडियो में आते हो यार देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। बाकी मैंने खाटू श्याम की जर्नी की थी जन शताब्दी की, तो वो मैं डालो लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं, जय माता दी, जय माता दी एंड जय माता दी, जय हिंद।